गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी मम्मी के चैनल में। आई होप आप सब ठीक होके और आप सबकी दुआ से हम सब भी ठीक है। ये देखिए गाइज, हमारा किचन थोड़ा बहुत सेट हो चुका है और आज है घर में 11वीं की न्यास। तो बस आपके साथ मैं आज वो ब्लॉग शेयर करूँगी, तो वही। और ये देखिए, हम लोग ने ट्रॉली को मैंने फ्री कर दिया था, तो बस मम्मी ने इसमें सामान भर दिए। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मम्मी किचन का काम कर रहे थे, मैं वो साइड का काम करती यानी कपट का। बस मम्मी ने इतना काम कर चुकी है, बाकी धीरे धीरे करेगी। तो मैंने सोचा कि चाय मम्मी ने चढ़ा चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो चाय दे दिया जाए अब्बा भाई को, जब तक मम्मी नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो बस मैं आई किचन पे, मैंने चाय भी बना लूँ और आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग अभी से चालू कर लूँ। तो अभी मगरिब के बाद की जो टी टाइम होता है वो है, और यह है तपेले, सही तपेलीज है, मतलब इसमें हम लोग खाना बनाते हैं वो है। और ये प्लेट्स है, ये थोड़ा बहुत है। ये देखिए गाइस, मम्मी यहाँ पर अभी खीर बना रहे हैं, आज मिलाद शरीफ है ना उसकी, उसके लिए बना रहे हैं। उसके लिए 11 किताब पढ़ा रहे, मिलाद शरीफ है तो खीर बना रहे हैं, और अभी खाना अभी आ रहा है, ईशा हो गई है और खीर बन रही है हमारी। इतना टाइम हो गया है, देखिए ईशा की अजान हो रही है, अभी खाना भी आ गया हम लोग का, आ रहा है मतलब नीचे है, आ रहा है चढ़ा रहे। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा अजान हो जाए तो फिर झाड़ू मार के मैं रेडी होऊंगी, अभी लोग इशाबाद आएंगे पढ़ने के लिए ना, इसके लिए। ये देखिए गाइस, अभी आ चुके हैं सब लोग पढ़ने के लिए, तो ये सब है पढ़ने आए हैं जो ये लोग अभी 11 किताब पढ़ रहे हैं। बस खाना तो अब तक हमारा ऊपर आया नहीं है, एक्चुअली हमारी जो सीढ़ी है वो छोटी है और डेक बहुत बड़ा है, तो बस अभी खाना नीचे ही रुक गया है, देखते कब तक खाना ऊपर आता है। ये देखिए गाइस, मैंने सोचा जब तक कि खाना ऊपर आ रहा है तब तक कि मैं आपको मम्मी की खीर सर्व करते हुए दिखा दूँ। तो ये देखिए मम्मी खीर सर्व कर रहे हैं, और मम्मी जब खीर बन चुकी थी तो मम्मी की तो मैंने दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी, डैडी ने बुलाया था खाना ऊपर पहुँचाने के लिए। तो अभी सीन ऐसा हो चुका है हम लोग के साथ कि हम लोग को नीचे से बाल्टी भर भर के दाल को ऊपर लाना पड़ रहा है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही आया है और बाकी का नीचे है, अब आएगा ऊपर। ये देखिए गाइस, दाल गोश्त तो आ रहा है बट चावल आ चुके हैं, तो ये बस चावल है और वो दाल गोश्त था, अब चावल है, ये बस यही है। ये देखिए गाइस, मम्मी ने सारी खीर की प्यालियाँ तैयार कर चुके हैं, माशाल्लाह ज़रूर कहें। देखिए गाइस, यहाँ पर ये खीर रेडी हो चुकी, मतलब सर्व तो हो चुकी, आपको मैंने दिखा चुकी, तो ये वही है खीर सर्व हो गई। ये देखिए इतनी खीर बची, और यहाँ दाल गोश्त भी ऊपर आ चुका है पूरा, और ये देखिए माशाल्लाह पड़ा जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से पूरा दाल गोश्त ऊपर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है माशाल्लाह। और ये देखिए लोग माशाल्लाह से इतनी अच्छी नाते पड़े हैं और सलाम पढ़ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग फातिहा कर रहे हैं, फातिहा के बाद इन सबको हम लोग खाना मतलब खिलाएंगे, हो जाएंगे हमारी 11 की नमाज कम्प्लीट। ये देखिए गाइस, ये है अहमदाबाद की तपेली, मम्मी लिखा ले। ये देखिए गाइस, मम्मी बैठ चुके हैं डेक पे यानी दाल गोश्त निकालने के लिए। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से सभी खा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही सुकून मिला हम लोग को इनको बुला के, सब करे और फिर मतलब इनको खिलाए करके बहुत ही सुकून मिला माशाल्लाह। ये देखिए गाइस, आज नेक्स्ट डे है, मतलब कल हमारे यहाँ 11वीं की नियाज हुई थी माशाल्लाह से। और ये देखिए माशाल्लाह, इतना सब बांटने के बाद भी लोगों को, हमारे नेबर्स में हम लोग ने दिया सबको, तो माशाल्लाह उन सबको देने के बाद भी हमारे पास इतना दाल गोश्त, इतना चावल माशाल्लाह से बच गए हैं। तो बस हम लोग आज यानी सेकेंड डे पे, नेक्स्ट डे पे हम लोग दिन में और रात में यही खाने वाले हैं। और यह है फातियों का दाल गोश्त जो रखे थे फातियों के लिए, वो है। और यह है फातियों के चावल। तो बस दैट्स इट, ये हमारी खीर माशाल्लाह बहुत टेस्टी खीर है मम्मी की माशाल्लाह। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेली, हाँ मैं अकेली आप लोग से बात कर रही हूँ आज, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग ने कल बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं मम्मी भी मैं भी, हम लोग इतने थक चुके हैं कि
बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी गाइस, क्योंकि शिफ्टिंग विन्यास सब एक साथ हो गया ना, तो अच्छी बात है कि सब एक साथ हो गया, तो अभी हम लोग रिलैक्स करेंगे। बस थोड़ा बहुत काम है जो हम लोग थोड़ा दिन बाद स्टार्ट करेंगे, और शायद उस दौरान हम लोग कुछ ब्लॉग्स भी आप लोग को नहीं डाल सके, कुछ रेसिपीज़ भी ना डाल सके, तो प्लीज़ आपको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना गाइस। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही अच्छा कुछ होगा, मतलब कुछ अच्छा ही सरप्राइज़ मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो या आते 1-2-3 वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। तो बस गाइस मैं आप लोग से यही कहूँगी, आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए हमारे वीडियोज़ के नीचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी के कमर में बेल्ट लगा है, उनकी बैक में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए कि मेरी मम्मी का बेल्ट जल्द से निकल जाए, मेरी मम्मी की कमर का दर्द बेटर हो जाए जल्द से जल्द, तो जिससे हम लोग बहुत अच्छी वीडियो शूट कर सकें और आप लोग शेयर कर सकें, क्योंकि मम्मी होते तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे, मैं अकेली शूट करूँ अकेला बहुत ज़्यादा हो जाता है, मम्मी का दर्द थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इसके लिए आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी मम्मी की कमर का दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मेरी मम्मी फटाक से यूट्यूब पे वापस से आ जाए, और फिर मम्मी और मैं मिलकर आप लोग के साथ मेरी वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। और मैं सीढ़ी पे बैठी हुई जैसे आप लोग देख रहे हो, और ऊपर हमारा रूम है, और वो मेरी लड़की काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इधर आके शूट कर लूँ, क्योंकि ऊपर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, और डैडी भी है तो मैं सोचा नीचे आके शूट कर लूँ, और डैडी ने टीवी ऑन रखे है इसलिए। तो बस मैं भी शूट यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, और मुझे आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कर लूँ, क्योंकि अल्लाह हाफिज़ कर लूँ तो उसके बाद मुझे दूसरे काम भी है, फिर वीडियो ऐड करना है, फिर आप लोग को दिखाना भी है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग मेरा बहुत मेहनत से मैं एडिंग करती गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, इस चैनल को इशरत खान आई टी किचन, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बहुत से बॉयज लोग हैं तो थोड़ी सी नॉइज आ रही गाइस, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि उन लोगों को मना तो नहीं कर सकते ना, उन लोगों का टाइम है अभी यहाँ बैठने का, क्योंकि वो लोग कॉलेज से आए, तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।